हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले नोटबंदी के दोषी को पकड़कर दी जाएगी सजा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल और नोटबंदी मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, नोटबंदी के दोषी को पकड़कर सजा दी जाएगी। इसके साथ ही राहुल ने हैरानी जताई है कि अगर मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जब नोटबंदी के फैसले से असहमत थे तो उन्होंने उसी समय अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा, राफेल की तरह नोटबंदी भी अपराध। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि राफेल की तरह नोटबंदी भी भारत के खिलाफ एक अपराध तथा बड़ा घोटाला था। पर्रिकर ने अपनी खाल बचाने के लिए खुद को इस सौदे से अलग कर दिया। सुब्रमण्यम भी नोटबंदी के मुद्दे पर अब वही कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब वह इस फैसले से असहमत थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देशवासियों, चिंता मत कीजिए, दोषी पकड़ा जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। अरविंद सुब्रमण्यम ने किया बड़ा खुलासा। बता दें कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने पद पर रहते हुए नोटबंदी पर यूं तो लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन पद छोड़ने के 6 महीने बाद उन्होंने नोटबंदी को एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका करार दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने 7वीं तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था को सबसे निचले स्तर 6.8% पर धकेल दिया, जबकि इससे पहले यह 8% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 के फैसले पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनके पास इस तथ्य के अलावा कोई अनुभव सिद्ध दृष्टिकोण नहीं है कि औपचारिक सेक्टर में वेलफेयर कॉस्ट उस वक्त पर्याप्त थी। सुब्रमण्यम ने कहा, नोटबंदी अविश्वसनीय आर्थिक प्रयोग। 4 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद सुब्रमण्यम ने हालांकि इस बारे में खुलासा नहीं किया कि नोटबंदी के फैसले पर उनसे राय ली गई थी या नहीं। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ कॉन्सी द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी में नोटबंदी पर एक अध्याय लिखा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि नोटबंदी एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका था। इस फैसले के बाद एक ही झटके में 86% प्रचलित नोट को वापस मांग लिया गया था। इस कारण वास्तविक जीडीपी वृद्धि प्रभावित हुई। वृद्धि में कमी आनी पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन नोटबंदी के बाद इसमें तेजी आ गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी आधुनिक भारतीय इतिहास में अविश्वसनीय आर्थिक प्रयोगों में से एक थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी आधुनिक भारतीय इतिहास में अविश्वसनीय आर्थिक प्रयोगों में से एक थी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, योग गुरु पर लिखी गई किताब पर है विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ नोटिस जारी किया। शीर्ष न्यायालय ने यह नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में योग गुरु पर लिखी गई किताब गॉडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव की बिक्री एवं प्रकाशन पर रोक लगाई है। इस किताब में कथित रूप से रामदेव के जीवन के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब छापने वाले पब्लिशर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर के अपने आदेश में किताब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बताया जाता है कि इस किताब में बाबा रामदेव के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया है। किताब में इस बात का उल्लेख है कि एक छोटे से आश्रम से योग गुरु की शुरुआत करने वाले रामदेव कैसे योग गुरु बन गए। किताब में योग गुरु के बारे में उठी अफवाहों के बारे में भी बताया गया है। योग गुरु के पक्ष का दावा है कि किताब में दी गई सामग्री अपमानजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से किताब की बिक्री पर लगी रोक हटाने के बारे में उनकी राय पूछी है। हनुमान को दलित बताने पर वकील ने सीएम योगी के खिलाफ दायर किया परिवाद। बजरंग बली को दलित बताए जाने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौतरफा घिरते जा रहे हैं। अब सीएम के खिलाफ मुरादाबाद जिले में एक एडवोकेट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद दायर किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीएम ने भगवान हनुमान को दलित बताकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए 10 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। 10 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह परिवाद गुरुवार को दायर किया गया है। शिकायतकर्ता एडवोकेट त्रिलोक चंद दिवाकर ने कहा कि 3 दिन पहले राजस्थान के अलवर में एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान को दलित बताकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस बात का पता चला है। उन्होंने अदालत में प्रतिवाद दायर कराकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसमें कहा कि प्रतिवादी को भी अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया जाए। शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने प्रतिवाद की सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर तय की है। जय सरगना मसूद की धमकी, राम मंदिर बना तो दिल्ली से काबुल तक तबाही फैला देंगे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने बाबरी मस्जिद को लेकर 9 मिनट का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में अजहर धमका रहा है कि अगर भारत बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाता है तो दिल्ली से काबुल तक मुसलमान लड़के बदला लेने को तैयार हैं। उसने कहा कि हम लोग पूरी तरह से तबाही फैलाने के लिए तैयार हैं। मसूद ने दावा किया कि काबुल और जलालाबाद में भारतीय संस्थानों को निशाना बनाया गया था। अजहर ने ऑडियो में कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां अस्थायी मंदिर बनाया गया है। वहां हिंदू लोग त्रिशूल के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, मुसलमान लोगों को डराया जा रहा है, एक बार फिर हमें बाबरी मस्जिद बुला रही है। ऑडियो में जय सरगना बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद पर नज़रें बनाए बैठे हैं, तुम सरकारी खर्च करने का मद्दा रखते हो तो हम जान खर्च करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इस ऑडियो में अजहर के ने करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी टिप्पणी की। उसने पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत के मंत्रियों को बुलाने पर नाराजगी व्यक्त की। इस ऑडियो में मसूद अजहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जहर उगला। उसने कहा कि ये सब मोदी चुनाव के लिए कर रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह भारत की ओर से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्ती भरी भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे उनके आका बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि अब ये बौखलाहट इस तरह की गीदड़ भभकी से सामने आ रही है। 2000 के नोट की विदाई करीब, नासिक प्रेस को आरबीआई से नहीं मिल रहा प्रिंट का ऑर्डर। नोटबंदी के कुछ समय बाद से ही यह आशंका लोगों को रह रह कर सताती रही है कि 2000 रुपये का नोट जल्दी ही सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। 2000 के नोटों को वापस लेने की यह आशंका कहां से शुरू हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार की ओर से कई मौक़ों पर ऐसी किसी भी संभावना को खारिज किया जा चुका है। बता दें कि 10 अगस्त 2018 को ही सरकार की ओर से साफ किया गया कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार जल्दी ही 2000 के नोटों को वापस लेने पर विचार कर रही है। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पी राधा कृष्णन ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की खुशफुसाहट को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 28 नवंबर 2018 को जारी किए गए आंकड़ों से हवा मिली। इन आंकड़ों के मुताबिक सर्कुलेशन में जो करेंसी है उसमें 9 नवंबर और 23 नवंबर के बीच 11,600 करोड़ रुपये की कमी आई। विशेषज्ञों के मुताबिक करेंसी में कमी का ये ट्रेंड 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की वजह से आया है। असल तस्वीर जानने के लिए इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में याचिका दाखिल की। इस याचिका में प्रिंट किए जा रहे 2000 के नए नोटों के आंकड़े की जानकारी मांगी गई। आरबीआई ने इस याचिका को करेंसी नोट प्रेस को भेज दिया गया। प्रेस से जो जवाब मिला वो इस प्रकार है। उपलब्ध रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरबीआई ने करेंसी नोट प्रेस नासिक को 2000 रुपये मूल्य के नए नोटों को छापने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए वे प्रिंट नहीं किए गए। 500 रुपये के नोटों को लेकर मांगी गई जानकारी पर करेंसी नोट प्रेस ने जवाब दिया, 500 रुपये मूल्य के 3,565.500 मिलियन नए नोट भारतीय रिजर्व बैंक को 14 सितंबर 2018 तक डिस्पैच किए गए। इसमें ये भी कहा गया कि 500 रुपये के नए नोट की प्रिंटिंग लागत 2.81 रुपये प्रति नोट है। केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनावस ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सिर्फ यही कारण समझा जा सकता है कि 2000 के नोटों को धीरे धीरे वापस लिया जा रहा है और छोटे मूल्य के करेंसी नोटों को प्रिंट किया जा रहा है, अन्यथा सर्कुलेशन में जो करेंसी है उसमें इस तरह कमी नहीं आती। हमारी आरटीआई याचिका का जो जवाब करेंसी नोट प्रेस से मिला, ऐसा लगता है कि वो जवाब आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों से मेल खाता है। इसका यही अर्थ निकलता है कि सरकार धीरे धीरे 2000 के नोटों को चरणबद्ध ढंग से सर्कुलेशन से पूरी तरह बाहर कर सकती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।